गंगा तू बहती है क्यों? मैं कहती हूँ क्यों न बहूँ, जब मुझे इस धरती पे उतारा ही गया है मेरे बहने के लिए, तो भला मैं क्यों रुकूँ? भागीरथ तो अपने पूर्वजों के खातिर मेरे आने पे अड़ा रहा, खुद तो लोग छोड़कर परलोक चला गया, मुझे अकेला छोड़ दिया बहने के लिए। मैं तो सूखी जमीन के दरारों के जख्म का मरहम बनकर आई थी, मुझे क्या मालूम था दरारों के जख्म के नाम पर लोग अपने जख्म धोकर मेरा पानी मैला करेंगे। आज मैं जख्मी हूं, आज मेरे जख्म पे कौन मरहम लगाएगा? मेरा पानी तो आज खुद मेरे लिए जहर बन गया है। आज गंगा कह पाती तो शायद वो भी यही कहती, मगर मेरी तरह वो भी खामोश रह गई। गरीबी और बदनसीबी ने मिलकर मेरे पांव में ऐसे घुंघरू बांधे जिसे फिर मैं कभी नहीं उतार पाई। अभी भी याद है गंगा पुल के ऊपर से जब ट्रेन गुजरती तो माँ मुझे खिड़की से नीचे बहती गंगा दिखाती, फिर मेरे हाथों से चार आठाने फिकवा ही देती, कहती इसका पुण्य मिलेगा एक दिन तुझे। पता नहीं माँ ने किस आस्था से कहा था। आज वैसे ही जिस्म के बाजार में लोग मेरे ऊपर से गुजरते हैं और कुछ पैसे मुझ पर फेंक जाते हैं। सालों से लोगों के लिए बहती चली आ रही हूं, गंगा की तरह मैंने भी कभी जात पात धर्म कुछ नहीं देखा, बस गंगा बनी बाहें फैलाए इंतजार करती, लोग आते डूबते और अपना कुछ मुझ में बहा के चले जाते। मेरा तो धर्म ही था बहना, सबको साथ लेकर बहती रही। सुना है गंगा के ऊपर वाला वो पुल अब पुराना हो गया है, मेरी तरह अब उस पे से भी लोगों का गुजरना बंद हो गया है। अब तो किसी भी दिन गिरेगा और गंगा उसे अपने साथ बहा ले जाएगी। सालों बाद मुझे गंगा को करीब से देखने का मौका मिला था, कुंभ का मेला था, 12 साल बाद लौटता है यही सोचकर आई थी। खूब भीड़ थी, एक तो पहले से ही भीड़ से निकल के यहां तक आ पाई थी और अब ऊपर से गंगा की भीड़, न जाने किनारे तक पहुंच पाऊंगी भी या नहीं। चारों तरफ की भीड़ एक ही तरफ बढ़ती चली आ रही थी, कई लोग इधर उधर धकियाते भीड़ में अपनों से भटकने लगे, पुलिस का जोर भी उन्हें नहीं रोक पाया। सैलाब सा उमड़ पड़ा, लाखों का जुलूस पानी में उतरता दिखाई दिया, जमकर गंगा रौंदी गई, पानी का रंग ही बदल गया। कुछ ही देर में इतने लोग गंगा में उतर गए कि सिर्फ लोग ही दिखाई पड़ रहे थे, गंगा न जाने कहां खो गई। वक्त बीता, एक लाश किनारे पड़ी धकी आ रही थी। दूर खड़ा हवलदार अपने साहब से कहने लगा, कोई बुढ़िया थी हुजूर, दब के मर गई, अपने आंचर में लगता है कुछ बांधी है, इसमें तो चंद सिक्के और घुंघरू हैं, ये तो कोई और ही थी हुजूर, गंगा में बहा देता हूं अपने किस काम की। पुल के ऊपर से गुजरती मां की आस्था सही थी, तभी तो फिर से गंगा ने दूसरी गंगा को अपने में समा लिया। खुले आंचर से सटक कर चंद सिक्के और घुंघरू आपस में जुगलबंदी करते हुए गहराई में जाते दिखाई दिए। आज पहली बार गंगा बिना घुंघरू के कहीं जा रही थी।